एम्पियरगंज के विधायक का नाम लेकर गीडा स्थित बैंक के शाखा प्रबंधक मनीष चंद्रा से 6.25 लाख की ठगी के मामले का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि एम्पियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह के इकराम नामक एक सदस्य को साइबर थाना प्रभारी की टीम ने गिरफ्तार कर उसे कोर्ट पेश किया, जहाँ वह जेल भेज दिया गया। एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि लखनऊ के कानपुर रोड निवासी मनीष चंद्रा ने 10 मार्च 2021 को साइबर थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अज्ञात व्यक्ति ने उनके मोबाइल पर फोन करके खुद को विधायक बताते हुए एक खाते में तत्काल 6.25 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा। बातचीत के दौरान उसने एक ऑफिशियल मेल करने के बारे में जानकारी दी, जहां से मैं आकर उन्होंने विधायक फतेह बहादुर के बैंक खाते से 6.25 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया। मामले के खुलासे के लिए टीम गठित कर छानबीन शुरू कर दिया गया। पुलिस जांच जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे जांच की सुई अपराधी की तरफ मुड़ती गई। सर्विलांस और इंटरनेट के माध्यम से पुलिस अपराधी तक पहुंचने में सफल रही और साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त इकराम के विरुद्ध तराया सुजान कुशीनगर में अभियोग पंजीकृत है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त पहले भी जेल जा चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, देखिए एसबीआई गीडा जो कि जो आईटीएम ब्रांच है गीडा में, वहाँ के मैनेजर ने लिखाया था कि उनको किसी ने फ़ोन किया विधायक फतेह बहादुर सिंह बोल के कि मैं विधायक बोल रहा हूँ और मैंने ईमेल भी किया है और जो है इतना 5,75,000 रुपया जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए तत्काल। तो इन्होंने उस पर ट्रस्ट करते हुए उस मेल को भी देखा, मेल को भी देखा और इन्होंने जो है मैनेजर साहब ने पैसा उसका ट्रांसफ़र कर दिया। बाद में इनको पता चला कि इनके साथ फ्रॉड हो गया है। जब फ्रॉड हो गया है तो फिर इन्होंने कंप्लेन कराई तो हमने उस नंबर के लिए जब ट्रेस किया, जिस नंबर से कॉल किया ईमेल के लिए ट्रेस किया, तो एक आदमी इसमें निकला, वहाँ जिस सिम से कॉल किया था वो सिम निकला कुशीनगर का। तो कुशीनगर का वो इकराम नाम का व्यक्ति इसमें है, अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। और इकराम से पूछताछ में पता चला कि एक और अभियुक्त है इसमें, उसका साथी है जो कि वांटेड है। देखिए इसके खिलाफ जो इसका जो साथी है, साथी के खिलाफ एक मामला तरया सुजान में और पहले से पंजीकृत है। ये शॉर्ट आउट तो हमारा तभी हो गया था पिछले 5-7 दिन में, पर मुलजिम के लिए जो है अभी हमने पकड़ के भेजा है।